वही खबर दौसा जिले से आ रही है, जहां पर आईसीआईसीआई बैंक के अंतर्गत हुई चोरी का 72 घंटे के अंदर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है और चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आखिरकार कौन है ये चोर और कितने की चोरी सामने आई थी और क्या कुछ ये मामला कह रहा है, देखिए सीधी हमारे इस खास रिपोर्ट में। दौसा जिले की लालसोट थाना पुलिस ने लालसोट के देवली ग्राम में आईसीआईसीआई बैंक की शाखा में हुई चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी दौरान पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व नकबजनी में प्रयुक्त औजारों को बरामद किया है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एसपी अनिल बेनीवाल ने बताया कि लालसोट के देवली ग्राम में हुई चोरी की वारदात के बाद एडिशनल एसपी डॉक्टर लालचंद कायल, सीओ लालसोट शंकर लाल व थानाधिकारी थाना लालसोट के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था। टीम ने 72 घंटे में कार्रवाई करते हुए चंद्र मोहन पांचाल उर्फ बिट्टू पांचाल निवासी देवली लालसोट तथा धर्मेंद्र प्रजापत उर्फ धर्मापुत्र मुरारी लाल प्रजापत निवासी देवली लालसोट को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि घटनास्थल के निरीक्षण में वारदात की तरीके से पुलिस को यह आभास हो गया था कि उक्त वारदात गांव के ही किसी व्यक्ति के द्वारा की गई है जिसका बैंक से संपर्क है। ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया गया और उनसे पूछताछ भी की गई है। इसके बाद में वारदात का खुलासा हुआ है और आरोपियों में से एक देश छोड़कर के कनाडा जाने की फिराक में था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 25 तारीख को हमारे लालसोट थाना क्षेत्र के अंदर देवली गांव में आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच थी, जिसके अंदर एक चोरी की वारदात हो गई थी। लगभग 9,95,000 रुपये की चोरी हुई थी और उसी के ऊपर हमने टीम्स बनाई और आज बड़ी कार्रवाई करते हुए दो जो इसमें मेन अभियुक्त थे जिन्होंने चोरी की वारदात की थी, जिनके नाम एक का नाम बिट्टू लोहार और एक का नाम धर्मा कुमार है, उसको करते हुए और 9,95,000 में से लगभग 9,30,000 की रिकवरी हमने कर ली है। और टीमें जो लगी थी इसमें हमने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में सीओ लालसोट और दो जो हमारे सब इंस्पेक्टर थाना लालसोट में हैं उसके साथ हमारी स्पेशल टीम थी और जो भी संदिग्ध थे सबको लाकर पूछताछ की। और चूंकि जो वारदात का जो तरीका था मॉडस ऑपरेंडी था, तो डाउट हमारा यही था कि आदमी वो है जो जिसके बैंक के बारे में सारा आइडिया है, जो बैंक को रेगुलर विजिट करता है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया और उनके साथ फिर पूछताछ स्टार्ट की, सारी वारदात खुल गई। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनमें से जो एक क्रिमिनल है वो देश छोड़ के भागने की फिराक में भी था, वो ट्राई करा तो उसको कनाडा जाना था, वो क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उसका पासपोर्ट नहीं बन पाया था और अभी भी उसका टारगेट यही था कि जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं मेरा पासपोर्ट बना के मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो उसकी ये हरकत होने से पहले टीम ने अच्छा काम करते हुए उनको पकड़ लिया और आईजी साहब रेंज की तरफ से उनके लिए इनाम की घोषणा है और जो भी टीम इसके अच्छा काम किया उन सारों को पुरस्कृत भी किया गया। कहाँ से दस्तयाब किया इन लोगों को? दस्तयाब तो जब ये चीज़ खुली, एक आदमी तो जयपुर था, वहाँ से उसको रिकवर किया और फिर उसको जब क्लियर हो गया फिर जो दूसरा आदमी था उसको दस्तयाब किया गया और शातिर थे, ऐसा नहीं है कि शातिर नहीं थे, लेकिन जो हमारी टीम में लगी हुई थी और जो अपने मॉडस ऑपरेंडी उस सारी चीज़ के अंदर सामने आई थी, हमारा डाउट भी लगभग क्लियर था कि कोई ऐसा ही आदमी है जो बैंक को अच्छी वाली यहाँ पर रोज़ आता है, रोज़ इस चीज़ को समझता है कहाँ से घुस सकते हैं कहाँ से निकल सकते हैं। तो उन्हें उसी फोकस पे करके अपना जीरो इन किया और मात्र 72 घंटे के अंदर हमने इस वारदात को खोल दिया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।